हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी सहजन पत्ते का सब्जी, यानी कि ड्रमस्टिक का जो पत्ता होता है ना, उसका सब्जी आपको कैसे बनाना होता है वो बना के आज मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो के ऊपर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्ते, आप सबका स्वागत है तितली फूड्स में। मैं सिग्मा नायक हूँ। आज आपके लिए लेके आई हूँ साजन पत्ते की सब्जी या ड्रमस्टिक पत्ते की सब्जी भी आप इसको बोल सकते हो। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उस पर क्लिक करिए, वो बिल्कुल फ्री है। और पास में बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नया नया वीडियो पहले आपके पास पहुँच सके। चलो अभी साजन की पत्ते की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, साजन का पेड़ से ये पत्ते मैं तोड़ के ले आई हूँ। यहाँ पर हमें नरम नरम के पत्ते तोड़ना है। नरम पत्ते का सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए, हम इसमें पत्ते निकालेंगे, मतलब डंडी को छोड़ देंगे, पत्ते पत्ते निकालना है हमको। अब यहाँ पर मैंने सारे पत्ते निकाल दिया है, ये देख रहे हो दोस्तों। इसको अच्छे से छांट के पानी से धो देंगे। ये देखिए, पत्ते को हमने अच्छे से साफ कर दिया है। और यहाँ पर हम एक लहसुन यूज़ करेंगे, एक प्याज यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, और थोड़ा सा सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए सीताफल यूज़ करेंगे। यहाँ पर सहजन के पत्ते को हमने अच्छे से साफ कर दिया है, उसके साथ सीताफल और प्याज को बारीक काट रखा है, दो चार लहसुन लिया है, थोड़ा सा पंचफोटन या सूखा मिर्च लिया है। इसको बनाने के लिए चलते हैं कढ़ाई के ओर। अभी मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालूंगी। ये देखिए दोस्तों, अब इसको अच्छे से चला देना है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे सूखा मिर्च। सूखा मिर्च को मैंने तोड़ के डाल दिया है, और थोड़ा सा पंचफूटन जो हमने लिया था वो दोनों को डाल के अच्छे से मिला देना है। अभी उसके साथ जाएगा लहसुन। लहसुन का मैंने कद्दू कर दिया है, और उसके साथ जाएगा प्याज। अब इसको अच्छे से चला देंगे, हल्का फ्राई करना है। ये देखिए, हल्का फ्राई हमारा हो गया है। अभी यहाँ पर हम डालेंगे सीताफल। सीताफल को जो हमने बारीक काट रखा था, देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया दोस्तों। अब इसको अच्छे से चला देना है। इसके साथ जाएगा आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से चला देना है। अगर आप लोग हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को दबा दीजिए। अभी ये देखिए, हमारा सीताफल जो है थोड़ा सा पक गया है। अभी इसमें जाएगा साजन का पत्ता। इसको हमने अच्छे से पानी से साफ कर दिया है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिए। ये देखिए, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा सब्जी पकने लगा है। बहुत ही कम टाइम में बनता है ये सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर इस सब्जी को ट्राई करिए, खुद खाइए, फैमिली को खिलाइए, रिलेटिव्स को खिलाइए, खुशियाँ बांटिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, हमारा सब्जी बन के रेडी है। अब इसको चलो गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, लग रहा है ना टेम्पटिंग। ये सब्जी जो है, ये सहजन का पत्ता जो है, आपको फ्री में मिलेगा। कहीं पर भी अब चले जाओ, सहजन का पेड़ जहाँ पर है वो पत्ता आपको मिल जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। सहजन का पत्ता जो है हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, मोटापा को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, तो इसको खाने का बहुत सारा फ़ायदा है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो के ऊपर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।